जज साहब, अब मैं इस केस के सिलसिले में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटनेस को कठहरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? इजाजत है। आपका बहुत शुक्रिया आने का। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप मुझे बताइए, दो ऐसी फैमिलीज जो दोनों भाई हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा और एक भाई के इंतकाल के बाद दूसरा भाई सारी प्रॉपर्टी रख लेगा, पहले भाई की फैमिली क्या कर रहे? और ये बात आपके इल्म में थी और आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। लॉर्ड, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी के हकदार मेरे ताया नहीं है। आपके पास कोई जवाब नहीं? वालेकुम सलाम साहबजादे, माशाल्लाह बहुत मसरूफ हो गए हो। देखा, आपका बेटा बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। हाँ, देख रहा हूँ। वैसे बाय द वे, आदमी ने जोया को कोर्ट में केस प्लीड करते हुए देखा। अच्छा? हाँ, बड़ी मेहनत से केस तैयार किया हुआ था, बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स थे, एंड शी हैज बिकम अ आउटस्टैंडिंग लॉयर। बहुत तरक्की करेगी, मैं उसकी वकालत से बहुत मुतासिर हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छी लॉयर है। एनीवेज, मैं चेंज करके आता हूँ। दिन कैसा था तुम्हारा? बहुत अच्छा। आप ही? बहुत थकी भी लग रही हो। नहीं, मैं तो फारिग लेके थक जाती हूँ, काम करना मुझे पसंद है। बिल्कुल लब्बू पे गई हो तुम, पता है ना तुम्हें। सुनो, अम्मी कह रही थी कि तुम। अम्मी सही कह रही थी। तुम क्या वाकई ताया अब्बू पे केस करोगी? सोया, तुम्हें लगता है तुम ये केस जीत जाओगी और हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा? हाँ अभी, मुझे पूरा यकीन है मैं केस जीत जाऊंगी। मैंने इतनी मेहनत की है, मगर मगर क्या? एक मसला है आपी। क्या? आपी, आदिल को ताया के खिलाफ केस में गवाही देनी होगी। आप ही अगर गवाही देगा ना, तो हमारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। आप ही, मैं जानती हूँ उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसे हमारा साथ देना पड़ेगा। मलिक साहब, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, चिकनाई और मुरगन घानों से मुकम्मल परहेज रखना होगा। डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको?
और डॉक्टर होने का मतलब है कि मेरा बेड़ा ही गर्क कर देंगे आप। क्या हुआ है मुझे? चंगा पला हूँ, खाता पीता हूँ, फिर? मलिक साहब, क्या घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? हाँ, मुलाजिम है मेरे पास, ठीक ठाक मुलाजिम है। और भाई, घर के लिए, इंसान की खिदमत के लिए मुलाजिम ही काम आते हैं, और कौन आता है? मगर मलिक साहब, मुलाजिम घर वालों का नेमुल बदल नहीं होते। आदिल को ताया के खिलाफ केस में गवाही देनी होगी। कि आप भी अगर गवाही देगा ना, तुम्हारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। आप ही, मैं जानती हूँ उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसे हमारा साथ देना पड़ेगा। क्या सोच रही? किसी चीज के बारे में सोच रही हूँ। किस गहरी सोच के बारे में सोच रही हो, मुझे भी तो बताओ। आदिल, जोया अबू का घर हासिल करने के लिए ये केस लड़ना चाहती है। तुम जानते हो वो बचपन से ही अपने और दूसरों के हक के लिए लड़ती रही है। मैं जानता था कि ये सब जरूर होगा। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि कौन हक पर है और कौन नहीं। हाँ, जानता हूँ। आदिल वो घर से एक मकान नहीं, बल्कि हम दो यतीम बच्चों का और एक देवा माँ की सर का साहिबा है। हमारी मिल्कियत, हमारा हक, हमारे महरूम अबू की निशानी। देखो, अगर जोया ऐसा करना चाहती है तो वो बिल्कुल अपने हक पे है। आदिल, जोया तुमसे मदद चाहती है। वो चाहती है कि तुम इस केस में हमारी मदद करो, हमारे हक में गवाही दो। लेकिन वो गवाही हमारे लिए नहीं होगी, वो गवाही हक के लिए होगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल होगा। ताया जैसे भी हैं तो वो तुम्हारे बाप ना। सोया? बोले अम्मी। क्या हुआ अम्मी, क्या सोच रही हैं? सोया, मैं सोच रही थी कि आदिल के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं होगा अपने बाप के खिलाफ गवाही देना। अम्मी, अगर आदिल गवाही देगा तभी तो हमारा केस मजबूत होगा, फैसला फिर हमारे हक में होगा। अम्मी बेटा, इस केस की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी शहवार का घर खराब हो। देखो ना, खून के रिश्ते, उनमें दूरी तो आ जाती है लेकिन वो टूटते कभी नहीं है। ताया से भी तुम्हारा खून का रिश्ता है ना अम्मी। ताया ने क्या किया और आदिल के साथ क्या किया? देखिए अम्मी, आदिल बच्चा नहीं है, उसको समझ है क्या सही है और क्या गलत है। उसने देखा है ताया को हम पे जुल्म करते हुए। वो ताया के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा, बल्कि जुल्म के खिलाफ गवाही दे रहा है। बेटा, इसकी वजह से मेरी शहवार का घर खराब होगा,
देखिए अम्मी, जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा, आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या सोचा है तुमने? यही सोच रहा हूं कि क्या करना चाहिए। क्या फैसला किया? फैसला मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो बहुत है। एक तरफ बाप और एक तरफ इंसान, और दोनों ही बहुत अहम है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए? पता नहीं आगे, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम बस वो करो जो तुम्हारा दिल कहे। मसलन क्या? मसलन ये कि फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। चाहो तो कदाही दो और चाहो तो ना दो। और अगर मैं ये कहूँ कि जोया को ये केस करना ही नहीं चाहिए, फिर तुम क्या कहोगे? मैं जोया को ये केस करने से कभी भी नहीं रोकूंगी, बल्कि उसका साथ दूंगी, क्योंकि ये घर से जोया का नहीं है, मेरा भी है। मतलब कि जोया केस जरूर करेगी? हाँ, वो ये केस जरूर करेगी और मैं उसका साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और मैं तुम्हारा और जोया का जरूर साथ दूंगा। देखो, मैं अपने अब्बा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जरूर हूँ। तुम्हें मेरी गवाही की कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं सारा सच बोलूंगा। ओके। जी जी, मैं समझती हूँ आपकी बात को। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन क्या जी? अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी है। खुदा हाफिज। तौबा है, आजकल के लोगों के नखरे, तौबा तौबा। क्या हो गया जरा बेगम? अरे होना क्या है, सारी जिम्मेदारियां सारी फिक्रें क्या मेरी जान के लिए रह गई हैं? वो तो आराम से खुला लेकर निकल गई, और मेरा बच्चा अब क्या इसी तरह से रहेगा? एक दो जगह रिश्ते की बात चलाई तो लड़कियों के नखरे सातवें आसमान से बातें कर रहे हैं। दूसरी शादी इतनी आसान नहीं होती, लोग सौ सौ सवाल पूछते हैं, है ना? आपका क्या मतलब है? क्या ये सारी जिंदगी इसी तरह से बैठा रहेगा?
हम माँ बाप हैं इसके, कुछ तो सोचना चाहिए ना हमें उसके बारे में। अरे भाई पहली शादी नहीं कामयाब हुई तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? सब जानते हैं कि किसका कसूर है। हाँ मुझे तो पहले ही पता था कि सारा कसूर मेरा ही होगा, सारा इल्जाम मेरे सर पर आएगा। कसूर जिसका होगा इल्जाम उसी पे आएगा। अम्मी अब वो ये बहस खत्म कर दें प्लीज, जो होना था वो हो चुका है। अरे बेटा इसी बात का तो अफसोस है कि जो बात होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई और जो नहीं होनी चाहिए थी वो होकर रह गई। अच्छा अजरा बेगम, दानियाल की दूसरी शादी कैसे हुई? ऐसे आदमी को कौन अपनी लड़की देगा जिसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी हो? ऐसे आदमी से भागते हैं लोग, डरते हैं, उसे नफसियाती मरीज समझते हैं। दानियाल आप खुश हो गए? आप और क्या जरूरत थी उसके सामने इस तरह की बातें करने की आपको? हद करते हैं आप भी। हर वक्त कोई ना कोई नई बात निकलती है इस घर में। दूसरी शादी इतनी आसान नहीं होती, लोग सौ सौ सवाल पूछते हैं। क्या ये सारी जिंदगी इसी तरह से बैठा रहेगा? ऐसे आदमी को कौन अपनी लड़की देगा जिसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी हो? ऐसे आदमी से भागते हैं लोग, डरते हैं, उसे नफसियाती मरीज समझते हैं। हेलो, कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ, आप ही? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, केस की तैयारी कर रही थी। अब तुम अपने घर के केस की तैयारी करो। वो तकरीबन तैयार है, एक हफ्ते में ताया को कागजात मिल जाएंगे, फिर उनको भी पता चल जाएगा। जोया, मैंने आदिल से बात की है, वो कह रहा है कि वो हमारे हक में जरूर गवाही देगा। वाकई वो सच में ऐसा करेगा? तो काफी अच्छी बात है। मैं और आदिल तुम्हारे साथ हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी तुम सारे काम छोड़कर घर के केस की तैयारी करो। वैसे अब तो तुम्हारे बाबा जोया की बड़ी तारीफें करने लगे हैं, एंड आई थिंक दैट्स ह्यूज। इट्स अ वेरी प्लेजेंट चेंज। इट इज। पता है माँ, मैं एग्जैक्टली यही चाहता था कि बाबा हमारी बातें सुनकर जोया से इंप्रेस ना हो बल्कि ऑब्जर्व करें, जज करें, और उन्होंने इसको काम करते देखा है, उसकी जहानत से इंप्रेस हो रहे हैं। यू नो, कुछ फैसले वक्त पे छोड़ देने चाहिए, फिर वो खुद ब खुद ही हो जाते हैं। राइट। वैसे बहुत कम अरसे में जोया ने अपने काफी नाम कमा लिया। बहुत हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस भी है। हाँ हाँ। बतालत का नोटिस सुरया की इतनी चरत, अकेल क्या पड़ गई है, दिमाग ही खराब हो गया है।
और ना देखता हो ना कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ये घर मेरा है, बरसों से मैं यहां रह रहा हूं। ये कल के बच्चे मुझे यहां से निकालेंगे, मैं भी इस मुल्क का बेहतरीन से बेहतरीन वकील करूंगा। सोया क्या चीज है? तुम्हारे ताया को नोटिस मिल गया होगा। हाँ, अब तो किसी वकील को भी ढूंढ रहे होंगे। करने दो, उन्हें पानी की तरह पैसे बहाने दो, उन्हें तुम्हारा घर वापस करना ही होगा। मैं बहुत पूर्व उम्मीद हूँ फारिस, और अब तो आदिल भी हमारा साथ दे रहा है, हमारे हक में गवाही देगा, और फिर ताया को पता चल जाएगा कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं। जोया, ट्रस्ट में तुम जीत के बहुत करीब हो। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकती थी फारिस। ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारा साथ ना देता? हाँ, वक्त के साथ साथ हमारी मोहब्बत और हमारी दोस्ती मजबूत हो गई। मोहब्बत को वक्त के साथ मजबूत ही होना चाहिए, वरना मोहब्बत रात का सामना नहीं कर पाती। तू सुन तो ले मेरी बात को। अरे उस बहुत मुसमारी ने शादी कर ली। क्या हो गया? अरे सुने तो सही, अमेरिका में है इतना बड़ा डॉक्टर डेंटिस्ट, वो शिकागो में रहता है। क्यों बात को बढ़ा रही है? हो गया? अरे हमारे तो दिल पे खंजर चला दिया ना कमबख्त ने, कैसी बात ना करूं मैं। बात क्या हो गया? मेरे हाथ ही अब चुप चुप क्यों हो गए? अब इससे क्या छुपाना, हम बता दो इसे भी। क्या हुआ है बताए ना। बेटा अब जो बात मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत हौसले से सुनना, और जरा से भी परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। वो है ना मनोज पारी कंपकत मेहरीन, उसने शादी कर ली है। मेहरीन ने शादी कर ली? हाँ, हमें भी अभी अभी पता चला है। और बेटे अब ये तो होना ही था। और वैसे भी उसने ना इतने अमीर आदमी, वो डॉक्टर्स, अब क्या दूसरी शादी भी वो किसी गरीब आदमी से करती? हमारा कोई ताल्लुक तो नहीं है ना मेहरीन से? अब उसकी अपनी जिंदगी है, वो जहां चाहे शादी करे। अब वो ठीक कह रहे हैं, इट्स ऑल राइट। हाँ बेटा, ताल्लुक तो कोई भी नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी उस मनुस्मारी को शादी करने की? मेरा बच्चा तो ऐसे ही बैठा रह गया, और ये सब कुछ हुआ जोया की वजह से। तुम उसको अहमियत देते थे ना, और मेहरीन को नहीं पूछते थे। ये जोया को अहमियत देता था, और उसने जिद में आकर इससे शादी की। वो जिद की है ही बहुत पक्की, और मोहब्बत वोहब्बत नहीं करती थी कोई तुमसे, वो बस वो अपनी जिद में आकर तुमसे। मेहरीन और जोया की किस्मत में इस घर का सुख नहीं था। Thank you.
तुम लोग ने क्या हाल बना लिया? बहुत ही अच्छा किया जो कमरे से बाहर निकले हो। अरे महरीन की शादी हो गई तो हो गई, क्यों सोचते रहते हो उसके बारे में? अभी मैंने जोया से बात करने की कोशिश की है, एक बार नहीं कई बार, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती। मेरी सूरत देखने की भी रवादार नहीं है, नफरत करने लगी है मुझसे वो। अरे नफरत करती है तो करती रहे, तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत क्या है? सोच लो कि महरीन और जोया तुम्हारे नसीब में ही नहीं थी। अम्मी ऐसी क्या खता हो गई थी मुझसे कि मुकद्दर ने मुझे इस तरह से आजमाया है और मैं अकेला रह गया। ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बच्चे? अरे तुम देखना, चंद दिनों में मैं तुम्हारी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगी, ऐसी धूमधाम से करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मगर वो लड़की जोया तो नहीं होगी। अरे सोया में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए, एक आम सी लड़की है वो। मैं भी तो आम सा लड़का हूँ। किसने कहा कि मेरा बच्चा आम सा है? अरे मेरा बच्चा तो लाखों करोड़ों में एक है, इस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। बस कर दे, यही सच है, यही सच है कि मैं एक आम सा लड़का हूँ। काश कि मैंने सोया को आम और खुद को खास समझने की गलती ना की होती, तो आज ये नौबत ना आती। Your Honor, मैं अब इस केस के सिलसिले में मलिक शहजाद अहमद साहब को कचहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मलिक साहब, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं वो तो आपके मरहूम भाई मलक सलमान अहमद का है, जिसके हकीकी वारिस तो असूली तौर पर उनकी बेवा इस्मत बेगम और दो बेटियां दुर्रा शबार और जोया सालिया को होना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि आपने उनको उन्हीं के घर से निकाल दिया और खुद कब्जा कर लिया घर? वकील साहब, ये घर जो है ना, ये घर मेरे भरा का था, उसने अपनी जिंदगी में मुझे दे दिया था और उसके कागजात भी हैं मेरे पास। योनर, शायद मेरी इंफॉर्मेशन कम है, इल्म की कमी कह लें इसे, या मुझे मालूम नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान बीवी बच्चों के होते हुए अपनी जिंदगी की जगह पहुंची अपना घर भाई के नाम कर? पॉसिबल है ऐसा मलिक साहब? वो मुझे वकील साहब की रोशनी रोशनी डाल ही नहीं आती। सच कह रहा हूं और फिर सच बोलूंगा, घर मेरा है, उसका सबूत भी मेरे पास है, आप कहे तो ला के पेश कर दूंगा आपके आगे। वो आप रिश्तों की समझ बूझ नहीं है। वो भाई था मेरा, प्यार था, आपस में खलूस था, राज मिल के रहते थे हम लोग आपस में, अपने बीवी बच्चों से भी ज्यादा। घर मेरा है और सबूत है मेरे पास। योर ऑनर, अब मैं इस केस के बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो शायद हो सकता है कि इस केस का रुख बदल दे। वो इंपॉर्टेंट विटनेस हैं मलिक साहब के अपने बिल्कुल सगे साहबजादे मलिक आदिल। इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी तो मिस्टर आदिल, जिस घर में आपके वालिद विराजमान हैं, रह रहे हैं, असल बहुत कंफ्यूजन है हम सबको कि ये घर असल में है किसका। ये घर मेरे मरहूम चचा मलिक सलमान का है। कैसे? इस घर में तो आपके वालिद रह रहे हैं। मेरे वालिद ने इस घर पे नाजायज कब्जा किया हुआ है। नहीं नहीं, एक सेकंड, कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज उसे थोड़ा क्लियर कर लें। क्या आपके मरहूम चचा ने ये घर आपके वालिद के नाम किया था या नहीं? आई मीन उनके बीवी बच्चे थे अपने, उन्होंने। जी नहीं, मेरे वालिद साहब ने इस मकसद के लिए जाली कागजात बनवाए थे। और मैं इसकी गवाही देता हूं। झूठ बोलते तुझे मौत नहीं आ रही है? वो अदालत में खड़ा होकर झूठी कसमें खा रहा है। प्लीज योर ऑनर, ये अदालत की देखती। मलिक साहब आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। ओ यहाँ पे लोग सच बोलते हैं, यहाँ तो कम से कम झूठ बोलते हैं। और पट्टी बन गई है, बाजी ने शिवार है तेरे पट्टी। अरे मुझे भी खो दिया तूने, याद रखना यार, तूने झूठा, तूने झूठी कसम खाई है। मलिक साहब आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। जिंदगी बच्चा है तेरी, रहेगा तू? अरे बदला लगेगी मेरी। ओहो आप तोहीन अदालत कर रहे हैं। और तू मेरे साथ इस तरह करेगा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। और कहां से कहां मुझे आगे रख दिया मुझे तूने। लेकिन याद रखना, बख्शू का नहीं मैं तुझे, आखिर तक लड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना। पापा आप ठीक है? पापा, पापा, ये सब क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं अम्मी, जो लोग दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं वो यूं ही बुलंदी से गिर जाते हैं। ताया अपनी शिकस्त बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। शिकस्त तस्लीम करना हर किसी की बस की बात ही नहीं। फिक्र तो मुझे आदिल की हो रही है कि वो खुद को इल्जाम न लेते। आदिल ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। मैं तो तुम्हारे ताया के लिए दुआ ही कर रही हूँ। सब इख्तलाफात अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, है तो वो तुम्हारे ताया ही ना, और उससे बढ़ के एक इंसान है वो। अम्मी हम दाया को सही वक्त में अस्पताल लेकर आए, डॉक्टर्स कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। और खुद को इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए हमने अदालत में केस किया है। अगर ताया अपनी जिद पे ना अड़ते और हमें हमारा घर वापस कर देते तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती अम्मी। वो अपनी जिद पे अड़े रहे और देखें उनकी क्या हालत है। हमेशा किसी न किसी तरीके से ताया ने हमें अपसेट ही किया है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है फिक्र करने की कोई बात नहीं है, इस एज में ये हेल्थ प्रॉब्लम्स बिल्कुल नॉर्मल बात है, और इंशाल्लाह वही होगा जो सबके लिए बेहतर होगा।